नाम सज्जाद लतीफ़ है, मैं करेवा द्रवगाम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड द नीट एग्ज़ाम विद 526 मार्क्स विद JKST रैंक ऑफ 8। आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड द JEE मेन्स एग्ज़ाम विद 90% एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन NIT श्रीनगर। अब अपनी एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो प्राइमरी की एजुकेशन है अप टू 8th क्लास वो मैंने अपने गाँव से ही की है, करेवा द्रवगाम अपर प्राइमरी स्कूल। उसके बाद 9th और 10th की मैं बात करूं तो मैंने हाई स्कूल कमराजीपुरा ज्वाइन किया। आफ्टर दैट आई वेंट टू रोहमो पुलवामा, हायर सेकेंडरी रोहमो पुलवामा फॉर माय 11th और 12th। एज़ माय प्रिपरेशन इज़ कंसर्न्ड रिगार्डिंग नीट एंड JEE, तो मैंने कोचिंग तो कोई ज्वाइन नहीं की थी और हमेशा से सेल्फ स्टडी में ही बिलीव किया था। और जिस चीज़ ने मेरी हेल्प की ताकि मैं नीट एग्ज़ाम और JEE को इतने अच्छे नंबर से और परसेंटाइल से क्रैक कर सकूँ वो यूट्यूब था। यूट्यूब का बड़ा रोल रहा है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पहले इस कामयाबी से नवाजा, उसके बाद अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और जो भी थे जिनका किसी न किसी एंगल से सपोर्ट रहा है उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो अगर मैं स्ट्रगल्स और बाकी चीज़ों की बात करना चाहूँ जो मैंने स्ट्रगल्स फेस किए हैं, तो पहली बात तो ये कि मैं एक फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता हूँ। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि करेवा द्रवगाम किस डिस्ट्रिक्ट में आता है और कौन सी जगह का नाम है। हार्डली यहाँ पे 15 to 20 गुजर कर हैं और मुझे खुशी है कि मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का पहला लड़का हूँ फ्रॉम द गुजर कम्युनिटी टू क्वालिफाई नीट एग्ज़ाम एंड गेट सेलेक्टेड इन MBBS विद अ वेरी गुड स्कोर। स्ट्रगल्स की बात करूँ तो पहले जब मैंने अपना 12th क्लियर किया था उतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी, कभी सब्जेक्ट्स चेंज, कभी नॉन मेडिकल, कभी मेडिकल, क्योंकि कोई स्ट्रेटजी थी नहीं। बस इतना था कि BSc करना है और कोई जॉब करनी है लाइक क्लास 4th। बट जब 12th मैंने पास किया तो उसके बाद जब लोगों से बात हुई तो कहा कि नीट जैसी एक चीज़ भी है JEE जैसी, फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी एनालिसिस की और मैंने सोचा कि क्यों बाकी के लोग जो कर रहे हैं तो क्यों ना मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का पहला गुज्जर लड़का बन जाऊँ जो नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ। अगर मैं बात करूं तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे 197 मार्क्स थे और सब ने मुझे कहा था कि कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन कोचिंग मैंने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस किया था। लोगों से मेरी यही अपील है स्पेशली टू द स्टूडेंट्स कि मतलब अगर आप में वो डेडिकेशन है, अगर आपका कोई एम है तो आप उसको पूरा कर सकते हो। इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो डेडिकेशन और एक आप कितना हार्डवर्क करते हो उस लिए। अगर आप हार्डवर्क करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आपको उस चीज़ में कामयाब ना करे। मेरी उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपना जो भी गोल है, ज़रूरी नहीं कि नीट क्वालिफाई करो, JEE क्वालिफाई करो, DRR अदर एग्ज़ाम्स लाइक UPSC एंड CA एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करो, और भी फील्ड्स हैं उनमें एक्सेल हो सकते हो आप। बस ये ज़रूरी नहीं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करो, ये ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल का बच्चा ही ऐसे एग्ज़ाम में एक्सेल कर सके। मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ आपके लिए जिन्होंने बस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है विदाउट एनी कोचिंग एंड आई हैव एक्सेल इन दिस नीट एग्ज़ाम। के लिए मेरी यही मैसेज रही कि अगर ड्रग्स का देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का मैं उनसे ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया बंद कर दें, बिल्कुल यूज़ करें सोशल मीडिया का, बट एक लिमिट तक। और उसके बाद जो हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का मतलब एक इन्हें बेनिफिशियल वे आप यूज़ करें। लाइक आई हैव डन माई स्टडी फ्रॉम यूट्यूब ओनली, सो अगर मैं अपना कहूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुआ है स्मार्टफोन, क्योंकि मैंने उसी तरीके से इसको यूज़ किया है। तो आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि आप भी इसको उसी तरह यूज़ करें, ना कि गलत इस्तेमाल इसका करें बल्कि सही इस्तेमाल करें ताकि आपको इससे फ़ायदा पहुँच सके। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हमारी इस कम्युनिटी से खासकर मुझे अपने बेटा है मेरे, तो इसने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, यह अल्लाह का काफ़ी शुक्र है, इसकी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। अब उनको भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप भी मेहनत करें, सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, इनमें पढ़ कर आगे जाएँ, क्योंकि उतने गुजर ST को उतनी तवाजत नहीं है कि इनको कोई बाहर जाए, वो पैसे वाले हम हैं नहीं, हमें को थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से आता है, बाकी को कुछ नहीं। और मैं शुक्र करता हूँ कि आपने इस बच्चे ने बहुत मेहनत करके ये कामयाब हो गए। अब बाकी को मैं ये कहता हूँ कि आप भी मेहनत करें और स्कूल में जाएं, और ये बाकी के जो आज जा रहे हैं डाक्टर साहब कुछ है, इसको छोड़ कर अपनी मेहनत करें।